सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से रिया चक्रवर्ती को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, जेल से आने के बाद से रिया की प्रोफेशनल लाइफ पर काफी गहरा असर पड़ा। लेकिन इस बीच रिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एक खबर की माने तो द टाइम्स ने 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 की लिस्ट निकाल दी है। बता दें कि इस लिस्ट में उन्हें भी शामिल किया गया है जो पिछले साल काफी सुर्खियों में रही। ये जो रैंकिंग थी वो ऑनलाइन पोल से हुई, वोटर्स के जरिए हुई है। दिलचस्प बात ये है कि रिया चक्रवर्ती इस लिस्ट में टॉप पर हैं। रिया ने कई सेलेब्स को पीछे पछाड़ कर इस लिस्ट में टॉप में जगह बनाई है। आपको बता दें कि पिछले साल रिया सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही, लेकिन उस वजह से जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल सुशांत के निधन के बाद रिया ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वह एक्टर की गर्लफ्रेंड थी और वह चाहती थी कि सीबीआई इस केस की जांच करे। रिया ने इस लिस्ट में दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर एल्डिन कैसलिनो है, दिशा पाटनी नंबर 3, कियारा आडवाणी नंबर 4 और दीपिका पादुकोण 5वें नंबर पर है। वहीं कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस, अनुप्रिया गोयनका, रूही सिंह और आवृति चौधरी 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं के साथ 10वीं नंबर पर है। वहीं रिया के प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो सुशांत के निधन से पहले उन्होंने फिल्म चेहरे की शूटिंग खत्म की थी, जिसमें इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन लीड रोल में है। फिल्म इसी साल अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। वैसे फिल्म के पोस्टर और टीजर जब रिलीज हुए थे तब उसमें रिया चक्रवर्ती गायब थी। हालांकि ट्रेलर में रिया की थोड़ी सी झलक देखने को मिली। इसके अलावा अभी रिया के पास कोई और प्रोजेक्ट नहीं है। फिलहाल वह परिवार के साथ ही समय बिता रही है।